हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल में टोटल मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज का यूज कैसे किया जाता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एमएस एक्सेल में टोटल मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो की आर प्रेस करेंगे, एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, उसमें ही मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें टोटल मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज को फाइंड कैसे किया जाता है। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं, इनके हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं। जैसे हमें कैंडिडेट फर्स्ट का टोटल मार्क्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये टोटल वाला फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना होगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर सम टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितनी भी फर्स्ट कैंडिडेट के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, तो इनका टोटल मार्क्स आ जाएगा। मैं बताती हूँ आपको कि इनका मिनिमम मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए एज इट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, मिनिमम टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, फिर ये सारे मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो मिनिमम मार्क्स आ जाएगा। जितने भी ये कैंडिडेट है इसका मिनिमम मार्क्स 83 हैं। अब हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, उसके लिए एज इट इज हमें इक्वल टू लगाना होगा। फिर इक्वल टू टाइप करने के बाद हम MAX टाइप करेंगे मैक्सिमम मार्क्स के लिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर सारे नंबर को जितने भी मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमें इनका एवरेज फाइंड करना होगा, टोटल मार्क्स का एवरेज फाइंड करने के लिए एज इट इज हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर एवरेज टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, फिर एज इट इज जितने भी मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो लीजिए, ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है इसके टोटल मार्क्स भी आ गए हैं, मिनिमम मार्क्स भी आ गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी आ गए हैं और एवरेज मार्क्स भी आ गए हैं। एज इट इज़ हम सारे कैंडिडेट का कर लेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छी मैजिक ट्रिक भी है, मैजिक ट्रिक कह सकते हैं। अब हमें ये दिक्कत नहीं होगा कि हमें पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना है। पहले टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने के लिए इसको ड्रैग कर देंगे और जैसे ही ड्रैग करेंगे टोटल मार्क्स आ जाएंगे सभी कैंडिडेट के लिए। एज इट इज़ मिनिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट सेल को ड्रैग करो, नीचे तक लाओ जितने कैंडिडेट हैं और टोटल मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए ड्रैग करो, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। और एवरेज फाइंड करने के लिए एज इट इज़ फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सबके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो इस तरह से एमएस एक्सेल में टोटल मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज का यूज किया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।